जीएसटी मुआवजे को लेकर नहीं बनी बात, सरकार ने कहा जारी करेंगे 20,000 करोड़। जीएसटी मुआवजे को लेकर राज्य और केंद्र सरकार के बीच विवाद तूल पकड़ता जा रहा है। सोमवार को हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि हम राज्यों को मुआवजा देने में मना नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीती सोमवार रात को ही राज्यों को 20,000 करोड़ रुपए रिलीज कर दिए जाएंगे। जीएसटी काउंसिल की अगली बैठक 12 अक्टूबर को होगी, जिसमें राज्यों के मुआवजे को लेकर फिर से चर्चा की जाएगी। आलू प्याज की दौड़ जारी, महंगाई में हाफ रही पब्लिक, टमाटर का भाव 10 से 100 रुपए किलो। हरी सब्जियों की कीमतों में वैसे ही आग लगी हुई है, लेकिन सदाबहार आलू, हमेशा चमकने वाला टमाटर और कई सरकारों का तख्ता पलटने वाला प्याज अब रुलाने लगे हैं। उपभोक्ता मंत्रालय की वेबसाइट के मुताबिक शनिवार को जारी आलू प्याज और टमाटर की खुदरा कीमतों को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि महंगाई की पिच पर अभी इनकी दौड़ रुकने वाली नहीं है, लेकिन लोग हांफने लगे हैं। थोक मार्केट में 5 अक्टूबर को आलू 2000 से लेकर 6000 रुपए प्रति क्विंटल बिका। वहीं फुटकर रेट की बात करें तो 27 रुपए से 60 रुपए किलो बिक रहा है। वहीं प्याज करीब 3 गुना महंगा हो चुका है। वेबसाइट के मुताबिक देश में जम्मू से लेकर कन्याकुमारी और सूरत से लेकर गुवाहाटी तक फुटकर में आलू 27 से 60, प्याज 19 से 70 और टमाटर 10 से 100 रुपए के बीच बिक रहा है। जीएसटी काउंसिल की 42वीं बैठक, 5 करोड़ से कम टर्नओवर वालों को मंत्री रिटर्न से राहत, राज्यों को आज रात ही जारी होगा 20,000 करोड़ का कंपोजिशन सिस। 1 जनवरी से ऐसे टैक्स पेयर जिनका सालाना टर्नओवर 5 करोड़ रुपए से कम है, उन्हें मंत्री रिटर्न जैसे GSTR-3B और GSTR-1 फाइल करने की जरूरत नहीं होगी, उन्हें केवल क्वार्टरली रिटर्न फाइल करना होगा। हालांकि हर महीने चालान के जरिए पेमेंट करना होगा। ये फैसला गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल की 42वीं बैठक में लिया गया। बैठक के बाद वित्त सचिव अजय भूषण पांडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात की जानकारी दी। हालांकि पूरे दिन चली बैठक के बावजूद केंद्र और सभी राज्यों में जीएसटी क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर केंद्र सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए विकल्पों पर सहमति नहीं बन सकी। इस मुद्दे को अब अगली जीएसटी काउंसिल बैठक में सुलझाने की कोशिश की जाएगी। अगली बैठक 12 अक्टूबर को होगी। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।